ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव साल 2023 की शुरुआत में ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 17 जनवरी 2023 की शाम 6 बजे शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 2.5 साल तक यानी 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो शनि की इस आई चाल में परिवर्तन का सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 30 सालों के पश्चात शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों को किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आपकी जन्म कुंडली पर शनि की महादशा चल रही है तो वीडियो के अंत में हम आपको कुछ धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आने वाले समय में आप बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाएंगे। शनि के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष के अनुसार शनि को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है, जिसमें शनिदेव किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पुरुषार्थ का यानी वर्तमान में जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके पूर्व जन्म का और संचित कर्मों का उचित न्याय और लेखा जोखा करने वाले ग्रह माने गए हैं। इसलिए शनि को ज्योतिष में कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, प्राकृतिक आपदा, विज्ञान और सभी प्रकार की नौकरी का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शनि का ही प्रभाव रहता है। शनि के बारे में लोगों के द्वारा नकारात्मक धारणा बना दी गई है, परंतु ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। जन्म कुंडली पर शनि के अनुकूल होने पर कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। शनि को भले ही एक पापी ग्रह कहा जाता है, परंतु जब भी जन्म कुंडली पर शनि बली स्थितियों में होते हैं या अपनी स्वराशि के होते हैं तो जातक को कर्मठ, न्यायप्रिय और ईमानदार बनाते हैं। शनि बली हो तो जातक को सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में कम प्रयास में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। शनि बली हो तो जातक जीवन में हर क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ के द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त करता है। वहीं ऐसे जातक को कम प्रयास में भी बड़ी सफलता प्राप्त होती है। शनि यदि बली हो तो जीवन में जातक को परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है और कर्म क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है। वहीं जन्म कुंडली पर शनि के पीड़ित होने पर कई प्रकार की समस्या जीवन में प्राप्त होने लगती है। जन्म कुंडली पर शनि की स्थितियां यदि खराब हो जाए तो जीवन में दुर्घटनाएं और कारावास जैसा योग बनता है। शनि पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को लकवा, पैरालिसिस, जुखाम और कैंसर जैसी समस्याएं शरीर में होने लगती है। शनि के पीड़ित होने पर व्यक्ति के पेट से जनित रोग और वायु जनित रोग के कारण समस्याएं शरीर में उत्पन्न होती है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। इनकी जो दशा होती है 7.5 वर्षों की होती है, जिसे 7.5 साती कहा जाता है, और व्यक्ति के जीवन में 7.5 साती का प्रभाव काफी गहरा होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों,
शनिदेव आपकी राशि के भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और 30 सालों के पश्चात शनिदेव आपकी राशि के नवम भाव से निकलकर आपके राशि के दशम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि का गोचर आपके राशि से दशम भाव में होने वाला है। राशि के दशम भाव से किसी भी व्यक्ति के पद, व्यवसाय, उन्नति, मान सम्मान के बारे में, राजयोग के बारे में विचार करते हैं। शनिदेव आपके राशि के दशम भाव में मौजूद होकर पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण भी करने वाले हैं। शनि की दृष्टियां आपके राशि में, तीसरी दृष्टि आपके व्यय भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि आपके राशि के सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पर जा रही है, वहीं दशम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जा रही है। तो शनि का यह परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सफलता जीवन में देने वाला है। साल की शुरुआत में 17 जनवरी से ही शनि आपके कर्म भाव पर प्रभावी हो जाएंगे तो व्यापारिक सफलता और कर्म क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को यदि पूर्व के समय से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर प्राप्त हो रहा था तो अब नौकरी की दिशा में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। वृषभ राशि वाले जातक, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको जीवन में बड़े मुकाम पर ले जाने के लिए समर्थ रहने वाला है। सभी प्रकार की नौकरी के ऊपर शनि का प्रभाव होता है, इसलिए साल की शुरुआत से ही आपके जीवन में मान सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। शनि के इस परिवर्तन से वृषभ राशि के ऐसे जातक जो लॉयर हैं, तर्कशास्त्री हैं, आयरन, केमिकल या पेट्रोलियम के क्षेत्र में संलग्न हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, बिल्डिंग मटेरियल को बेचने का कार्य करते हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है, सर्जन है, राजनेता है, तो इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों को आर्थिक मामलों के लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। शनि के इस परिवर्तन से आपके जीवन में स्थायी और पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है, यानी यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदना चाहते हैं तो साल 2023 में शनि के प्रभाव से आपको पैतृक संपत्ति का विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। 17 जनवरी से ही लेकर आमदनी के माध्यम में एक से अधिक माध्यम आपके जीवन में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि का यह परिवर्तन छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता देने वाला है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो विदेशों में रहकर कोई कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप कार्य करते हैं तो यह परिवर्तन आपके जीवन में बड़ी सफलता देने वाला है। शनिदेव आपके द्वादश भाव पर तीसरी दृष्टि से संबंध जोड़ रहे हैं तो आपके जीवन में एक से अधिक माध्यम से खर्चा बना हुआ रहने वाला है, यानी व्यर्थ के खर्च भी आपके जीवन में बढ़े हुए रह सकते हैं। कुछ विशेष सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता भी रहने वाली है। देखिए, शनिदेव 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं और 22 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन हो जाएगा, तो वैवाहिक जीवन को लेकर 17 जून के पश्चात 2023 में आपको सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यानी जीवन साथी के प्रति आपको अपने व्यवहार में समर्पण का भाव लेकर चलना चाहिए और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक जिम्मेदारी को यदि वृषभ राशि वाले जातक निभाने का प्रयास करते हैं तो यह परिवर्तन आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से आपके राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं तो सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अभी आपको सावधान रहना चाहिए। माता के साथ अपने संबंध को सुधार कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और शनि के इस परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों को 17 जून 2023 के पश्चात
यदि आप कोई दीर्घकालिक निवेश करने जा रहे हैं तो भी आपको सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो इस प्रकार का प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के परिवर्तन से देखने के लिए मिलने वाला है। अब यदि आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले शनि ग्रह को अनुकूल और मजबूत करने के लिए कुछ विशेष सावधानी अपने जीवन में बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों, विधवा वर्ग, दिव्यांग, गरीब वर्ग या महिला वर्ग का किसी प्रकार से अपमान करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप शनि जन्य शुभ प्रभाव अर्जित करना चाहते हैं तो इन लोगों का अपमान आपको नहीं करना है। शनि जन्य शुभ प्रभाव अर्जित करने के लिए शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से भी आपको बचना चाहिए। वहीं शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी बचना चाहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कम से कम 11 शनिवार आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना हर शनिवार के दिन काफी बेहतर रहने वाला है। और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। शनि ग्रह को अनुकूल और मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साल 2023 में शनि ग्रह को अनुकूल करने के लिए शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों में काली चीजों का दान भी कर सकते हैं, जैसे काला तिल, काले चने, कच्चा कोयला, काला शर्ट, काला छाता, काला जूता, इन चीजों का दान यदि आप करते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।